सिवनी जिले के आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर ग्रामीणों को साफ व स्वच्छ पानी वितरण करने के लिए फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन इस फिल्टर प्लांट से हाई स्कूल के लगभग 400 छात्र छात्राओं को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जबकि ये फिल्टर प्लांट स्कूल के महज 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। सिवनी के लखनादौर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर झिझरई हाई सेकेंडरी स्कूल में 400 छात्र छात्रा पढ़ते हैं। इस स्कूल में फिल्टर प्लांट प्रबंधन ने एक नल कनेक्शन दिया गया है, जिसमें पर्याप्त पानी नहीं आता। लगातार छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि लगातार प्लांट प्रबंधन को पत्राचार करते हुए एक अतिरिक्त नल कनेक्शन की मांग की गई। मासूम छात्र छात्राओं की प्यास भी नहीं बुझा पा रहा। लापरवाह प्लांट प्रबंधक मासूम छात्र छात्राओं की प्यास भी नहीं बुझा पा रहा। सर, यहाँ पर एक सिंगल कनेक्शन है स्कूल के लिए, जबकि बच्चे लगभग 400-450 के लगभग यहाँ पर अध्ययनरत हैं और बालिकाओं की संख्या अधिक है, उनको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमने एक लेटर भी लिखा, जे लेटर 20/3/2021 को प्रबंधक संचालक को लिखा है वाटर प्लांट ग्राम झिझरई के लिए, और इसको हमने पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हाँ, उनसे बात हुई थी, लेकिन वो बोलते हैं डायरेक्ट हम सप्लाई यहाँ स्कूल के लिए हमारे पास आदेश नहीं है, इस तरह से बोला जाता है उनके द्वारा। बाकी जो फिल्टर प्लांट बनाया गया है उसमें पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि स्कूल के बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें शिक्षा विभाग ने अपने जिला मुख्यालय पर अवगत कराया और जनता ने भी अवगत कराई, लेकिन ना जाने प्रशासन की क्या मंशा है, जो फिल्टर प्लांट है उससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि छात्र छात्राओं को फिल्टर प्लांट से पीने योग्य पानी कब और किस महीने मिल पाता है। लखनादौन से पवन धरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।